गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 वर्कशीट 2, क्वेश्चन नंबर 1, सिंपलीफाई। फर्स्ट पार्ट इज एक्स रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर 5/2। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट फर्स्ट लॉ, जब जब टू टर्म की हम मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों के बेस सेम होंगे और एक्सपोनेंट डिफरेंट होंगी, तब हम बेस सेम रखेंगे और उन दोनों की एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। सो वी राइट एक्स रेज टू द पावर 1/2 प्लस 5/2। बाई टेकिंग एलसीएम हम पावर को ऐड करेंगे, 2 एलसीएम बनेगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में 1 राइट करेंगे, प्लस एज इट इज 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। सो वी राइट एक्स रेज टू द पावर 6/2, कैंसिल करेंगे, दिस इंप्लाइज एक्स रेज टू द पावर 3 आंसर। सेकेंड पार्ट इज एक्स रेज टू द पावर 6/5 अपोन एक्स रेज टू द पावर 1/5। यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स दी गई हैं, दोनों के बेस सेम हैं बट दोनों डिवीजन में दी गई हैं। जब जब सेम बेस होंगे डिवीजन दिया जाए तब हम बेस सेम रखेंगे और एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। ऊपर वाली एक्सपोनेंट में से नीचे वाली एक्सपोनेंट को ही माइनस करेंगे। बी रिमेंबर दैट इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 6/5 माइनस 1/5। बाई टेकिंग एलसीएम सोल्व करेंगे, एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5/5, कैंसिल करेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1। सिंपली वी कैन राइट हेयर ओनली एक्स, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3, एक्स रेज टू द पावर 7 होल पावर 0। थर्ड एक्सपोनेंट लॉ हमें ऑलरेडी लर्न है, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट दी जाए तब हम बेस सेम रखेंगे और दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 0। किसी भी नॉन जीरो नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 होगा। सो वी राइट एक्स रेज टू द पावर 0, बट किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 दी जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ये हमें जीरो एक्सपोनेंट लॉ बताता है। इट मीन्स किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। दिस लॉ इज नोन एज जीरो एक्सपोनेंट लॉ, मस्ट रिमेंबर। फोर्थ पार्ट इज 5x रेज टू द पावर 5/6 मल्टीप्लाई 6x रेज टू द पावर 1/6। यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूमेरिकल कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल कोफिशियंट के साथ और एक्सपोनेंट को हम सोल्व करेंगे एक्सपोनेंट के साथ। सो सबसे पहले हम एक्सपेंड करेंगे 5 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 5/6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 1/6। न्यूमेरिकल कोफिशियंट यहाँ पर 5 और 6 दिए गए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा आंसर। एक्स रेज टू द पावर 5/6 एंड एक्स रेज टू द पावर 1/6 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर दोनों के बेस सेम हैं सो वी राइट सेम बेस x, बट एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं और दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट यहाँ पर प्लस हो जाएंगी, 5/6 प्लस 1/6। सोल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 + 1/6। बाई टेकिंग एलसीएम हम दोनों एक्सपोनेंट और पावर को प्लस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 30 एक्स रेज टू द पावर 6/6, कैंसिल करेंगे 6 को 6 से, दैट इज इक्वल टू 30x आंसर। फिफ्थ पार्ट इज एक्स रेज टू द पावर -7/2 मल्टीप्लाई 2 एक्स रेज टू द पावर -1/2। फर्स्ट टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशियंट नहीं गिवन है इसलिए आप इसको 1 मल्टीप्लाई में राइट कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर 7/2 मल्टीप्लाई
टू मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर माइनस वन बाई टू। अब न्यूमेरिकल कोफिशेंट को न्यूमेरिकल कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस टर्म में वेरिएबल गिवन है इट मीन्स एक्सपोनेंट फॉर्म अगर गिवन है तो एक्सपोनेंट फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू होगा, एंड वन बाई एक्स रेज टू द पावर सेवन बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर वन बाई टू के साथ। दोनों में बेस सेम है, वन बाई एक्स राइट करेंगे क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो हम दोनों ही एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे, सेवन बाई टू प्लस वन बाई टू। बाई टेकिंग एलसीएम हम पावर को सोल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स, एलसीएम टू रहेगा, न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म के लिए सेवन प्लस सेकेंड टर्म के लिए वन, दैट इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर एट बाई टू। टू से कैंसिल करेंगे फोर जापे, दैट इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर, वन की पावर फोर दैट इज रिमेन इक्वल टू वन, और वन को जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में टू रहेगा, डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू द पावर फोर, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 512 रेज टू द पावर माइनस टू अपॉन नाइन। इस क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो पावर दी गई है दैट इज माइनस टू अपॉन नाइन, पावर में डिनोमिनेटर हमारे पास है नाइन, तो यहाँ से आपको एक क्ल्यू मिलेगा जो भी आपका बेस होगा वो किसी नंबर की पावर नाइन बनेगा। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया जाएगा किसी नंबर की पावर वो वाला डिनोमिनेटर होगा। अब इसके लिए आप गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, लेट अस फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512 बाई डिवीजन मेथड। 2 से डिवाइड करेंगे 256, अगेन 2 से करेंगे 128, अगेन 2 से करेंगे 64, अगेन 2 से करेंगे 32, अगेन 2 से करेंगे 16, अगेन 2 से करेंगे 8, अगेन 2 से करेंगे 4, अगेन 2 से करेंगे 2 एंड फाइनली 1। सो 512 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 9, रेज टू द पावर माइनस 2 बाई 9। अब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आपके पास हैं, इसके लिए एक्सपोनेंट थर्ड लॉ यूज़ करेंगे, दोनों ही एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई माइनस 2 बाई 9, 9 को 9 से कैंसिल करेंगे 2 रेज टू द पावर माइनस 2। क्योंकि हमें किसी भी सम में अगर इवेलुएट करना हो, उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसके लिए एक्सपोनेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे, उसके लिए बेस को रेसिप्रोकल करेंगे और एक्सपोनेंट में से नेगेटिव साइन को रिमूव कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 रेज टू द पावर 2। अब 1 बाई 2 रेज टू द पावर 2 इट मीन्स 1 बाई 2 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 4, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट इज 216 रेज टू द पावर 2 बाई 3 एंड होल पावर 1 बाई 2। यहाँ पर भी आप सबसे पहले अंदर जो वैल्यू दी गई है उसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर 216 रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 है, इट मीन अंदर वाला जो नंबर है उसके बाहर जो एक्सपोनेंट फॉर्म दी गई है उसका जो डिनोमिनेटर है 3, अंदर वाले नंबर को किसी नंबर की एक्सपोनेंट 3 में राइट किया जाएगा। तो 216 किसका क्यूब होता है आपको ऑलरेडी लर्न होगा, 6 रेज टू द पावर 3, इट मीन 6 का क्यूब 216 होता है, तो डायरेक्ट राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें और उसके अंदर रीग्रुपिंग करेंगे, दैट इज 666, इट मीन्स 3 टाइम्स 6 की प्रोडक्ट आपके पास 216 होगी। सो 6 रेज टू द पावर 3 होल पावर 2 बाई 3 एंड होल पावर 1 बाई 2। सबसे पहले अंदर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट दी गई है और फिर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट दी गई है, तो सभी एक्सपोनेंट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 2। कैंसिल करेंगे 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 1
और किसी भी नॉन जीरो नंबर की एक्सपोनेंट और पावर अगर 1 है तो वो नंबर इटसेल्फ आंसर होगा, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट, 10 डिवाइड बाय 8 रेज टू द पावर 1/3। 10 एज इट इज राइट करेंगे, डिवाइड एज इट इज। अब 8 रेज टू द पावर -1/3 है, डिनोमिनेटर में 3 है तो 8 को किसी ना किसी नंबर की पावर 3 में राइट करना होगा। 8 को हम राइट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। सिंपल, आप प्राइम फैक्टराइजेशन 8 के लिए फाइंड करोगे तो 8 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ 2 होगा। सो वी राइट 2 रेज टू द पावर 3 इन प्लेस ऑफ 8। होल पावर इज -1/3। नेक्स्ट स्टेप पर एक्सपोनेंट रेज टू द पावर एक्सपोनेंट है, दोनों ही एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 एज इट इज, डिवीजन साइन एज इट इज, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर -1। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 1/2। अब 10 डिवाइड बाई 1/2 सोल्व करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें और सेकेंड टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे 2/1, दैट इज इक्वल टू 20, आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 4, 16 रेज टू द पावर 3/4। यहाँ पर डिवीजन में हमारे पास 4 दिया गया है, इट मीन 16 किसी नंबर की पावर 4 बनेगा। इसके लिए 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, वो बनेगा 2 रेज टू द पावर 4, राइट करेंगे होल पावर 3/4, दैट इज इक्वल टू 2। अब एक्स पावर के ऊपर पावर दी गई है तो दोनों पावर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे, दिस इंप्लाइज 2 रेज टू पावर 3, 2 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 8 आंसर। फिफ्थ पार्ट इज 27 रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई 16 रेज टू द पावर -1/4। अब यहाँ पर जो बेस दिया गया है, डिनोमिनेटर में 3 है तो ये वाला जो बेस है वो किसी नंबर की पावर 3 में राइट किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर बेस 16 है और डिनोमिनेटर में 4 है, इट मीन्स यहाँ पर 16 जो बेस दिया गया है वो किसी नंबर की पावर 4 में राइट किया जाएगा। सो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, 27 के लिए बनेगा 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 16 के लिए बनेगा 4 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 2। सो वी राइट 3 रेज टू द पावर 3 होल पावर इज 1/3 मल्टीप्लाई 16 को राइट करेंगे 2 रेज टू पावर 4 होल पावर 1/4, ब्रैकेट रिमूव करेंगे 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई -1/4, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, फर्स्ट टर्म बनेगी हमारे पास 3, सेकेंड टर्म में हमारे पास आंसर रहेगा 2 रेज टू पावर -1, बट हमें एक्सपोनेंट पॉजिटिव चाहिए, इसके लिए हम नेगेटिव साइन को रिमूव करेंगे और बेस जो सेकेंड टर्म में 2 है उसको रेसिप्रोकल बनाएंगे, दैट इज 1/2, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 3/2। सिक्स पार्ट, 1/3 रेज टू पावर 4 रेज टू द पावर 1/2 एंड होल पावर -2। जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट दी जाए तो हम सभी एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इम्प्लाइज 1/3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई -2, -2 को -2/1 राइट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज 1/3 रेज टू द पावर -4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म नेगेटिव पावर के साथ दी गई है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम रीराइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1/3 रेज टू द पावर -4, माइनस साइन को रिमूव करेंगे, बेस को रेसिप्रोकल करेंगे, 1/3 का रेसिप्रोकल बनेगा 3, माइनस साइन को रिमूव कर देंगे, सो वी राइट 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4, 1 को 3 रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज रिमेन 3 रेज टू पावर 4,
एंड 3 raised to power 4 मीन्स 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 81 आंसर। सेवन्थ पार्ट 27 रेज टू द पावर -2/3 मल्टीप्लाई 81 रेज टू द पावर 5/4 अपॉन 1/3 रेज टू द पावर -3। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में पावर में 3 दिया गया है, तो 27 को किसी नंबर की पावर 3 में राइट किया जाएगा। सिमिलरली 81 को, क्योंकि पावर के डिनोमिनेटर में 4 है, सो किसी नंबर की पावर 4 में राइट किया जाएगा। सो वी राइट 3 raised to the power 3 रेज टू पावर -2/3 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म के लिए 3 raised to the power 4 होल पावर 5/4 अपॉन, डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर दी गई है, पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज 3/1 रेज टू द पावर 3। दिस इंप्लाइज 3 raised to the power 3 मल्टीप्लाई -2/3, 3 से 3 कैंसल, सेकेंड टर्म के लिए 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाई 5/4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे, डिनोमिनेटर में 3/1 रेज टू द पावर 3 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 3 raised to the power -2 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 5 अपॉन 3/1 रेज टू द पावर 3, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर न्यूमरेटर में बेस सेम है 3, उनकी एक्सपोनेंट हम प्लस करेंगे, क्योंकि जब जब बेस सेम होंगे एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी। सो वी राइट 3 raised to the power फर्स्ट एक्सपोनेंट -3 प्लस सेकेंड एक्सपोनेंट 5 अपॉन 3/1 रेज टू द पावर 3, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस की हैं माइनस के 2 हैं, तो 3 raised to the power 3 एंड अपॉन 3 raised to the power 3। यहाँ पर भी आप एक्सपोनेंट ला यूज कर सकते हैं, x raised to the power a upon x raised to the power b, दैट इज इक्वल टू x raised to the power a - b, डिवीजन में दिए गए हैं, बेस सेम है, तो पावर माइनस हो जाएंगी। सो वी राइट 3 raised to the power 3 - 3 इज इक्वल टू 3 raised to the power 0। किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 होगी, ऐसा हमें 0 एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग ऑलरेडी पता है। सो फाइनल आंसर इज 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, 64 raised to the power 1/2 into 64 raised to the power 1/2 + 1। सबसे पहले हम 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट कैन बी रिटन एज 2 raised to power 6। सो 64 को हम 2 raised to power 6 राइट करेंगे, रेज टू द पावर 1/2 इन राउंड ब्रैकेट 2 raised to the power 6 रेज टू द पावर 1/2 + 1। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट दी गई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ब्रैकेट के अंदर भी हम 2 raised to power 6 मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 +1 एज इट इज़ राइट करें, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 2 raised to power 3 बनेगा एंड राउंड ब्रैकेट में हम फर्स्ट टर्म को 2 raised to the power 3 राइट करेंगे +1 एज इट इज़। 2 raised to the power 3 मीन्स 2 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट, वो इक्वल रहेगी 8 के, 8 × 8 + 1। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, 8 + 1 = 9, 9 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाइन्थ पार्ट 36 raised to the power 7/2 -36 raised to the power 9/2 अपॉन 36 raised to the power 5/2। यहाँ पर पावर में आपके पास डिनोमिनेटर में 2 है, सो बेस को हम किसी नंबर की पावर 2 में राइट करेंगे, जैसा कि हमें पता है 36 6 का स्क्वायर होगा, सो वी राइट 6 raised to the power 2 whole power 7/2 -6 raised to the power 2 whole power 9/2 अपॉन 6 raised to the power 2 whole power 5/2। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट थर्ड ला, पावर के ऊपर पावर दी गई है तो हम बेस के लिए दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाई 6 raised to the power 2 multiply 7/2 -6 raised to the power 2 multiply 9/2 अपॉन 6 raised to the power 2 multiply 5/2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे सभी टर्म में, दिस इंप्लाइज फर्स्ट टर्म हमारे पास रिड्यूस होगी 6 raised to the power 7 माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी 6 raised to the power 9 अपॉन 6 raised to the power 5।
न्यूमरेटर में क्योंकि हमारे पास माइनस साइन गिवन है, सो डिनोमिनेटर को हम दोनों ही न्यूमरेटर के साथ सेपरेट करेंगे। इट मीन्स न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म के नीचे भी हम 6 raised to the power 5 राइट करेंगे, बीच में माइनस साइन, और सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में भी हम 6 raised to the power 5 राइट करेंगे। अब यहाँ पर डिवीजन वाला एक्सपोनेंट ला यूज़ करेंगे, x raised to the power a upon x raised to the power b इज इक्वल टू x raised to the power a minus b। सो डिवीजन में हमारे पास दो एक्सपोनेंट टर्म दी गई हैं जिसमें दोनों में बेस हमारा सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं, तो एक्सपोनेंट आपकी माइनस होगी ऊपर वाले में से नीचे वाले को, बेस सेम रहेगा। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम राइट करेंगे 6 raised to the power 7 minus 5 माइनस एज इट इज, सेकेंड टर्म के लिए हम राइट करेंगे 6 raised to the power 9 minus 5, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस की फॉर्म में राइट करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी 6 raised to the power 2 माइनस सेकेंड टर्म हमारी होगी 6 raised to the power 4। 6 raised to the power 2 मीन्स 6 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट एंड 6 raised to the power 4 मीन्स 6 की 4 टाइम्स प्रोडक्ट। फर्स्ट टर्म की वैल्यू बनेगी 36 माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू बनेगी 6 को अगर हम 4 टाइम्स प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर होगा 1296। 36 प्लस के हैं, 1296 माइनस के हैं, दिस इंप्लाइज माइनस 1260। टेंथ पार्ट इज 4 × 81 raised to the power -1/2 × 81 raised to the power 1/2 +81 raised to the power 3/2। हमें इवेलुएट करना है, इसके लिए हम 4 एज इट इज राइट करेंगे। 81 को राइट कर सकते हैं 3 raised to the power 4, होल पावर -1/2 है तो उसको एज इट इज राइट करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 81 को राइट करेंगे 3 raised to the power 4, होल पावर 1/2 है तो पावर को में 1/2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 81 को राइट करेंगे 3 raised to the power 4, होल पावर 3/2 थी इसलिए हम 3/2 को पावर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ब्रैकेट के अंदर भी कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सिमिलरली 2 1 जा 2 2 2 जा 4, दिस इंप्लाइज 4 एज इट इज। सोल्व करेंगे ब्रैकेट के बाहर 3 raised to the power -2 होगा, सिमिलरली फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर 3 raised to the power 2 बनेगी, प्लस साइन एज इट इज, एंड 3 raised to the power 2 3 जा 6, दैट इज इक्वल टू 4 3 raised to the power -2 है, माइनस साइन को रिमूव करेंगे तो उसके लिए बेस को रेसिप्रोकल करेंगे, 1/3 raised to the power 2 होगा मल्टीप्लाई 3 raised to the power 2 मीन्स 3 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट इक्वल टू 9 रहेगी, प्लस 3 raised to the power 6 मीन्स 3 की 6 टाइम्स प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू 729 होगा। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 4 एज इट इज़, 1/3 raised to the power 2 का मीनिंग होगा 1/3 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू 1/9। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 729 में 9 को ऐड करते हैं 738 बनेगा, कैंसिल करेंगे 9 1 जा 9, 82 जा पे 738 को कैंसिल करेंगे। अब 82 को अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे लिए आंसर रहेगा 328। क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट इज 0.04 raised to the power 3/2, क्योंकि पावर में डिनोमिनेटर में 2 हैं इसीलिए बेस को किसी भी नंबर की पावर 2 में एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं 0.04 हमारे पास 0.2 का स्केयर होता है, सो वी राइट 0.2² whole power is 3/2। अब पावर के ऊपर पावर दी गई है तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 raised to the power 2 multiply 3/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाई 0.2 whole power 3। अब 0.2 raised to the power 3 का मीनिंग होगा 0.2 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट, अगर 0.2 को हम 3 टाइम्स प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर होगा 0.008। सेकेंड पार्ट 6.25 raised to the power 3/2, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 दिया गया है तो गिवन बेस को किसी भी नंबर की पावर 2 में राइट किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं 6.25
हमारा 2.5 का स्केयर होता है. सो वी राइट 2.5 रेज टू द पावर 2 होल पावर 3/2. अब हमारे पास पावर के ऊपर पावर दी गई है, तो हम दोनों ही पावर को मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज इक्वल टू 2.5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2. 2 से 2 को कैंसिल करेंगे. दैट इज इक्वल टू 2.5 रेज टू द पावर 3. अब 2.5 रेज टू द पावर 3 का मीनिंग होगा 2.5 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट. अगर हम 2.5 को 3 टाइम्स प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे लिए आंसर बनेगा 15.625. थर्ड पार्ट इज 0.03125 रेज टू द पावर -2/5. यहाँ पर एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर में 5 है. सो गिवन बेस को हम किसी भी नंबर की पावर 5 में एक्सप्रेस करेंगे. जैसा कि हमें पता है गिवन बेस 0.5 का फिफ्थ पावर होगा. सो वी राइट 0.5 रेज टू द पावर 5 होल पावर -2/5. नेक्स्ट स्टेप पर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट दी गई है, दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी राइट 0.5 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई -2/5. 5 से 5 को कैंसिल करेंगे. इट इज इक्वल टू 0.5 रेज टू द पावर -2. अब एक्सपोनेंट में माइनस साइन को रिमूव करेंगे. इसके लिए हम बेस को रेसिप्रोकल करेंगे. दैट इज इक्वल टू 1/0.5 रेज टू द पावर 2. 1/0.5 रेज टू द पावर 2 मीन्स 1/0.5 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट. दैट इज इक्वल टू 1/0.25. अब हम डिनोमिनेटर में डेसिमल को रिमूव करेंगे. इसके लिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट गिवन है. डिनोमिनेटर में हम डिनोमिनेटर वाले टर्म को 100 से डिवाइड करेंगे. इट कैन बी रिटन एज 1/25/100. डिनोमिनेटर को हम रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ प्रोडक्ट करेंगे. दैट इज इक्वल टू 1/100/25. कैंसिल करेंगे. 25 1 जा 25 25 4 जा 100. 4 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 4. आंसर फोर्थ पार्ट इज 0.008 रेज टू द पावर 2/3. यहाँ डिनोमिनेटर में 3 दिया गया है, इसीलिए गिवन बेस को हम किसी नंबर की पावर 3 में एक्सप्रेस करेंगे. दैट इज इक्वल टू 0.2 रेज टू द पावर 3 होल पावर इज 2/3. दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट गिवन है, तो दोनों एक्सपोनेंट को हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे. इट कैन बी रिटन एज 0.2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3. 3 से 3 कैंसिल करेंगे. दैट इज इक्वल टू 0.2 रेज टू द पावर 2. 0.2 रेज टू द पावर 2 मीन्स 0.2 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट. दैट इज इक्वल टू 0.04. आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.